हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वायरस में स्वागत है। तो आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा था, जिसके अंदर एक्सरसाइज चल रही थी 6.1। तो 6.1 के आपके क्वेश्चंस थे जो मैंने कुछ करा दिए थे, आज कुछ आगे ही करते हैं उसके एग्जांपल्स। आगे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं ये स्टूडेंट्स, देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई। क्वेश्चन आता है आपका 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एक बलून है, मतलब गुब्बारा, विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल ऑन इन्फ्लेक्शन, इज बीन इन्फ्लेक्टेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूब सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच ऑफ द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। मतलब आपकी रेडियस तो है 15 सेंटीमीटर और आपने इसको क्या दिया, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब इतनी गैस आप भर रहे हो। तो एक बार बताओ भाई, ये है क्या डीवी? अगर ये आर के बारे में बात कर रहा है, एक मिनट जाइए चेक कर लेते हैं। पंपिंग कर रहा है, फाइंड द रेट ऑफ रेडियस, फाइंड द रेट ऑफ रेडियस। ठीक है, रेडियस के बाद मतलब डी वो डी टी ए, क्लियर? कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। पर सेकंड की बात कर, डी वी ओवर डी टी हो गया। अब बात करें, जब एक गुब्बारा होता है तो भाई स्पेरिकल फॉर्म में होता है, और आप जानते हो स्पेरिकल फॉर्म में है तो स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, क्या होता है स्पेयर का वॉल्यूम? स्पेयर का वॉल्यूम 20 से काउंट करते थे, क्या होता है स्पेयर का वॉल्यूम? 4/3 πr³। क्लियर? फाइंड आउट क्या करवा रहा है आपसे, dr ओवर dt निकाल देंगे, कोई बात नहीं। तो क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिफरेंशियल कर दीजिए आप इसका, फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू कितना t। तो जैसे आपने पकड़ा तो dv ओवर dt इक्वल टू कितना मिला मुझे, 4/3 π पावर आ गया 3r² इंटू dr ओवर डी टी। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अब डी बी ओवर डी टी कितना आपके पास में, 900, तो 900 तो ये हो गया इजकल टू 4π r³ इंटू डी आर ओवर डी टी, मतलब स्क्वायर। तो आइए हम यहाँ देखते हैं, 900/4π r² इजकल टू डी आर ओवर डी टी। ठीक है, डी आर ओवर डी टी इजकल टू कितना हुआ, 900/4π इंटू r की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 15। तो 15 का क्या हुआ वैल्यूज, क्या 225। अगर आप कुछ कैंसिल करना चाहो तो इसको कैंसिल कर लेते हैं, 4 × 8 = 125, इससे कैंसिल आउट होगा ये, तो 1/π बच गया भाई। तो 1/π ही आपका ये आंसर्स होगा। ठीक है, dr ओवर dt के बारे में बात करो तो ये सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा आंसर इसका। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन, तो ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं वो क्या कहता है। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्वेश्चन आसान ही है स्टूडेंट। यदि आपने हमारी इंटीग्रल की वीडियो नहीं देखी है, आप उस इंटीग्रल की वीडियो देखिए, वो अब कंप्लीट करा दिया जाएगा, कम्प्लीटली जल्दी ही कम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 9 होगा इसमें, लेकिन दिक्कत ये है इसमें डी बी ओवर डी आर है बस, क्योंकि रेडियस बोल रहा है इसलिए डी बी ओवर डी आर है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को करना चाहो कर सकते हो, चलिए मैं करा देता हूँ, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर ए, बलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट ऑफ एट विच ऑफ द वॉल्यूम इज इंक्रीज विद रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो मेरी बात को समझना, वॉल्यूम कितना हुआ, 4/3 πr³। तो dv ओवर dr क्या होगा, 4/3 π × 3r² 3 से 3 कट गया, तो 4π r² आ गया आपका dv ओवर dr 4π। आर की वैल्यू कितनी, 10 का होगा 100, 100 का कितना होगा 400π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड।
ठीक है स्टूडेंट्स, था कुछ भी नहीं, आसान क्वेश्चन था, हो गया क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी इस क्वेश्चन में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये तो बहुत ही आसान था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चंस भी है आई थिंक, ये बढ़िया क्वेश्चंस में से। क्वेश्चन नंबर आपका था 11, देख क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एक पार्टिकल मूव अलोंग अ कर्व 6y = x³ + 2, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द वाई कोऑर्डिनेट इज चेंज 8 times एज फास्ट एज द एक्स कोऑर्डिनेट। तो इस लैंग्वेज की जो बात करी है ना इसने, डीवी ओवर डीटी वाई कोऑर्डिनेट्स इज 8 इज द एक्स कोऑर्डिनेट्स डीएक्स ओवर डीटी, ठीक है। ये क्या इन्होंने, मतलब इन्होंने क्या कहा, चेंज की बात मत कर, जब चेंज हुआ ना डी ओवर डी टी निकल के आएगा, क्लियर। अब आपको क्या करना है, फाइंड दिस पॉइंट निकालें। चलिए भाई पॉइंट निकाल देंगे, कोई बात नहीं। सिक्स, अब मैं क्या कर लूँ, डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रेस्पेक्ट टू टी में। तो जैसे ही मैंने किया तो 6dy/dt = 3x² · dx/dt आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई हुई, 3 × 2 = 6। तो 2dy/dt = कितना, x² · dx/dt। लेकिन dy/dt मैं यहाँ से रखता हूँ कुछ 8x, तो 8 की जब यहाँ गुणा होगी तो 16dx/dt = कितना, x² · dx/dt। अब आपको कहना 16 माइनस अंदर ले आए, देखो ऐसे कैंसिल करोगे तो गलत हो जाएगा, तो dx/dt तो ≠ 0, लेकिन 16 − x² = 0, तो x² = ±4 आ गया, x की वैल्यू कितनी आएगी, ±4। तो आप एक काम की कोऑर्डिनेट पॉइंट पूछ रहा है, तो x = 4 पर y की वैल्यू निकालिए, 6y = कितना, 4 × 4³ + 2, 4 × 16 = 64, 64 × 66, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 11। तो एक तो पॉइंट आपका निकल गया 4,11, एक पॉइंट। अगला पॉइंट आ गया x की वैल्यू क्या रखनी है आपको, -4 रख दीजिए, क्या रखनी है x की वैल्यू, -4 रखिए, -4 तो कितना आ गया, 6y = −64 + 2, तो कितना होगा, -62, 6y। तो y की वैल्यू कितनी होगी, -62/6, और काट दीजिए 2 से 2 + 6 = 2, तो −31/3। तो आपकी ये वाले पॉइंट कितना है, −4 + −31/3। तो कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपको समझ में भी आ गया होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसान क्वेश्चन है, इसलिए मेरे तरीके से आप इसको सीखते चलिए। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, इसके बाद में ये क्वेश्चन एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है आपको क्वेश्चन करने में तो बता देना, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद हम फिर से मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर को। तो इंटीग्रल अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका आता है, कहाँ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं, ठीक है। 12 भी बिल्कुल सेम इसी टाइप से, जो बबल्स के बारे में बात कर रहा था, स्पेरिकल स्पीयर के बारे में बात कर लेगा। ऐसे तुम्हारा 13 है, 13 क्वेश्चंस भी आपको डायमीटर दे रखा है, और विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम क्या कर रहा है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए भाई 13 को देख लेते हैं, आपको लग रहा होगा कि थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसलिए कोई बात नहीं, आपको dv/dx निकालना है। क्या निकालना है, dv/dx, वैल्यू वॉल्यूम दे रखा है, लेकिन डायमीटर दे रखा है आपको, कितना डायमीटर दे रहा है, 3/2, कितना, 2x + 1। तो आप जानते हो ना डायमीटर्स, तो भाई रेडियस क्या होगा, रेडियस डायमीटर्स का आधा होता है ना,
तो कितना होगा 3/4 3x+1। कोई दिक्कत? हाँ, क्वेश्चंस में क्या कह रहा था ये और देख लेते हैं। अच्छा वैल्यू ने, कोई बात नहीं। तो वैल्यू ने तो उसका सरफेस के वो क्या होगा, वॉल्यूम 4/3 पाई एक्स क्यूब। तो डी वी ओवर कितना, सॉरी गलत लिख गया, आर क्यूब। ठीक है, बी इजकल टू 4/3 पाई इंटू आर, रेडियस है ना ये, तो आर कितना निकला, 3/4 ये 2x है, 2x+1 का होल क्यूब। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं, 4/3 पाई इंटू ये कितना आया अंकल के, 27/64 और 2x+1 की पावर होल क्यूब इक्वल टू बी। काट दीजिए, 9π/16 2x+1 का होल क्यूब इंटू बी। कोई बात नहीं, 9π/16 2x+1 का होल क्यूब। अब मुझे क्या करना है, डिफरेंशियल कर देना है, डिफरेंशियल फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में बोल रहा है इसलिए कर रहा हूँ मैं एक्स में। डी वी ओवर डी टी 9π/16, दो तरीके इसको सॉल्व करने के, या तो आपको होल क्यूब खोल दीजिए या सीधे सीधे ऐसे कर लीजिए। पावर आ गया ही 2x+1 का होल स्क्वायर हो गया, फिर इंटू फिर 2x का होगा, 2x का कितना आएगा 2, 2 से ये कट गया 8, 9 या 27π/8 और 2x+1 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यही आपका आंसर्स होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो अब आपको जो क्वेश्चंस करने हैं ना, जितने भी क्वेश्चंस हैं देखो, 14, 15, 16, 17 सारे क्वेश्चंस आप उड़ा दोगे, कुछ भी नहीं इन क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 में एक कोई पाइप है और फॉल कर रहा है एक कॉन को, ठीक है, रेट दे रखा है और ये दे रखा है 12 cm³/s, समझ रहे हो, क्यूब पर सेकंड कब आएगा, इसका मतलब ये है वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब डी वी ओवर डी टी। तो डी वी ओवर डी टी क्या है, कहाँ है डी वी ओवर डी टी, 12 cm³/s, ठीक है। और आपको बता देते हैं कौन के लिए जो वॉल्यूम होता है ना, 1/3 πr² h ये लगता है। अब आपको क्वेश्चंस में एक चीज़ और दी रखी है इन्होंने, क्या दिया है देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, द ग्राउंड इन द सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कॉन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, मतलब जो हाइट है ना वो 1/6 है रेडियस के। तो आपको आर कितना निकल गया आएगा, 6h, आर की वैल्यू यहाँ रखिए और h में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डी वी ओवर डी टी निकालना है और आपको, हाँ आपका जो है h की वैल्यू भी दे रखी है, यहाँ पर इंक्रीज कर रही है 4 cm, ठीक है। तो आसानी से आप क्वेश्चंस को निकाल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ओके स्टूडेंट, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा अपने स्टूडेंट दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो हमारे चैनल पर ज्वाइन हो सकें। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आपके पास कोई भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।